Here's two times. It is 2/8/2022. तो आज हम क्या स्टडी करेंगे? पेपर रिव्यू. पेपर जो आपने पेपर दिया रिसेंटली T2, उसको देखेंगे कहां पर आपने अच्छा किया, कहां पर आपकी वीकनेसेस रही. ठीक है, वीकनेसेस पर काम करने से क्या है, आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करोगे. क्लास 9 पे है ये अबाउट T2 एग्जाम्स जो रिसेंटली आपके हो गए, बोर्ड एग्जाम्स. अंडरस्टैंड? एक क्वेश्चन नंबर 5 था सेक्शन डी का, आपका पेपर है ये. हाँ, यस. मैच द वर्ड्स फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी. आपको दो कॉलम दिए गए थे, ए और बी, इनको मैच करना था. यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, जरा ये पहला वर्ड पढ़ें. अकॉम्प्लिश. अकॉम्प्लिश, फिर से पढ़ें. अकॉम्प्लिश. ये पढ़ें. इन्वेंशन. ये पढ़ें. क्लॉक. क्लॉक. ये ऑस्ट्रियर. ऑस्ट्रियर. अब सेक्शन बी में इनकी मीनिंग्स है, लेकिन मीनिंग सिट्रेट नहीं है, ऊपर नीचे है, ताकि आपको ढूंढना है. इसके चार मार्क्स थे. पहला पढ़ो. सिंपल. सेकंड. Together in large numbers. Three. Attempt to conquer. Achieve successfully. ये इनकी मीनिंग है. Right word की right meaning ढूंढनी है. A part का 3 आएगा तो 3 लिखना है. A part का B 2 आएगा तो 2 लिखना है. क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, नर्वस नहीं होना है, क्वेश्चंस को ब्रेक करना है. पहले देखना है इनमें से कौन सा वर्ड आपको आता है. सबसे पहले जो वर्ड है accomplish. Accomplish का आइडिया है आपके जहन में? Yes sir. What does it mean? Achieve successfully. जैसे आप नीट क्वालिफाई करोगे, आप कहोगे I have accomplished it. It means I have achieved it successfully. Understand? Yes sir. तो first का क्या आएगा? Four. हो गया. ऑप्शन पे ये धुंधर लिखने की जरूरत, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है. उसके बाद दूसरा वर्ड क्या है? इन्वेजन. इन्वेजन का मतलब, हाँ, इन्वेजन माने फतह करना, किसी पर कब्जा करना, अटैक करना. तो इसका क्या है? अटेम्प्ट टू कॉन्कर, कोशिश करना सब्जुगेशन करने की किसी और की. तो दूसरे का क्या आएगा? थ्री. ठीक है, B का 3, yes. A का 4. C. Flock. What's the spelling of flock? F-L-O-C-K. Flock माने? Together in large numbers. हाँ, flock of people. Flock of? People. अगर, हाँ, जुब. अगर इसमें आत्मसासन, बुलबुल्स, शॉल, तो क्या मानो? Pack of bulbuls. Understand? Yes, sir. Cattle होंगे बहुत सारे. Herd of cattle. Yes, sir. Stars. Galaxy of stars. तब उन्होंने इसकी flock of stars, coins का चट्टा एक के ऊपर, pile of coins, P-I-L-E, pile of coins. Understand? हर एक चीज के लिए अलग होता है. Austria, Mother Teresa lived an austere life. तो C का क्या आएगा? Two आएगा और D का क्या आएगा? One. Understand? हो गया क्वेश्चन नंबर एक.